अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना वेलकम प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना हम पे इशारा करेंगे यहां पर, अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम सच्चाई को बयान कर रहे हैं। मगर बीजेपी कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में जैसा आते ओवैसी के बारे में बोलो, मजलिस के बारे में बोलो, अरे कब तक डर दिखाएंगे। मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं, ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ, इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है, फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है। अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो या बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारे को कौन बोले, कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ। अरे कैसे मालूम हुआ बोलते, अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेमसांग में, और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले, ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना वेलकम प्राइम मिनिस्टर, कहीं भी आ सकते। फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है, उन्हों क्या बोल रहे, ए रोड ड्रेनेज पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गए वहां पे, नहीं 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 मजहब तब्दील हो रहा यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, नहीं 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 मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा कर लेकर गई उनको, बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। अरे क्या हमारे मुल्क में हो रहा है, घर ये कौन सी मोहब्बत है। अच्छा आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था, अब आप सुनो उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी, गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत बहुत मोहब्बत थी, समझे नहीं समझे, अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी, थी नहीं थी बोलो, नहीं थी, ओके आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की, नहीं की तारीफ की एमपी ने, बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री वजीर आला जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे मोदी, नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लैनेट से आया होगा क्या, हम आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था, और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके
स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं। मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने इनको ये बात पसंद नहीं है, याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की सियासी क्यादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खवाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए, ये चाहते हैं। मंजिलें तकलीफ हो जाती। आखिर 186 सीट 2019 में कांग्रेस और बीजेपी लड़े, कितनी जीती कांग्रेस? मंजिलें थी नहीं वहां पे, 15 सीट। पूछो कांग्रेसियों से, जब ये चुपते हुए सवालात में करता हूं तो बोलते नहीं तुम हमारे साथ क्यों नहीं है। मैं क्या अलादीन का चिराग हूं, जिन हूं तुम्हारे पीछे आने को? वो तुम्हारा जिन तुमको हरा रहा, मैं जिन बोला तो उस पर इतनी तकलीफ हुई उनको। जिन बोले क्या बोलो उसको, क्या बोलो बताओ आप? नहीं क्यों बोले? अरे भाई लाइटर वेन में बोला तुम इतना उसको। मैंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर को इतना चलाए कि जो लोग नहीं देखे तो वो भी देख लिए। माशाल्लाह, इनसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं हो सकता, याद रख रहे। और आप हम पे उंगली, जहां के इलेक्शन लड़ते इनके लड़ने से उन्हें जीत जाते। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मरद नहीं मेरा भाई मरद? आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्र गुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे उधर मिला रहे, नंबर 4 है आप, नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए, ए इम्तियाज तू क्या कर रहा? अरे क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए, गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े, बाकी सब छोड़ दिए, लड़ो जीतना था। नहीं, हर जगह पर अब हमको बोलते नहीं आप बी टीम फुलां टीम। अरे भाई एक बात सुन लो, मैं पूरे सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, मैं इलेक्शन हमारी जमात लड़ेगी,